Hello, my students. Here I continue the explanation of the play Julius Caesar. In last video, as we have discussed that Julius Caesar is saying to Decius Brutus that he should inform in the Senate that he will not come today. Decius Brutus Julius Caesar se poochta hai, Most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. Decius Brutus Julius Caesar से सेनेट ना आने की वजह पूछता है और कहता है कि मुझे उन्हें कुछ तो रीज़न देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ पर हंस पड़े. सीज़र उसे वजह बताते हुए कहता है, कैलिफोर्निया हेयर माई वाइफ स्टेज मी एट होम. मेरी वाइफ आज मुझे घर रुकने के लिए कह रही है. शी ड्रीम टू नाइट शी सॉ माई स्टैचू Which, like a fountain within 100 spouts, did run pure blood. सीज़र अपनी वाइफ कैलिफोर्निया के नाइटमेयर का डिस्क्रिप्शन देते हुए डेसिस ब्रूटस से कहता है कि मेरी वाइफ ने एक नाइटमेयर यानी एक बहुत बुरा सपना देखा कि मेरा एक स्टैचू है जिसमें से बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं और उसमें ब्लड, प्योर ब्लड उसमें से फ्लो हो रहा है. And many lusty Romans came smiling, और बहुत सारे Romans मुस्कुराते हुए आ रहे हैं. And did bathe their hands in it, और वो मेरे blood में, मेरे खून में अपना हाथ धो रहे हैं. And these does she apply for warnings, और उसे लग रहा है कि ये nightmare एक warning है, एक संकेत है जो हमें ये बता रहा है कि कुछ गलत होने वाला है और वो नहीं चाहती कि आज मैं घर से बाहर जाऊँ. And pretends and Evil eminence and on her knee hath begged that I will stay at home today. और उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आज मैं घर पर ही रुक जाऊँ. डेसिस ब्रूटस को लगता है ये तो सारा मामला ही उल्टा हो जाएगा. अगर ये सेनेट नहीं आया तो उसका मर्डर कैसे हो सकता है. तो डेसिस ब्रूटस उसके नाइटमेयर को पॉजिटिवली इंटरप्रिटेशन देता है और कहता है This dream is all a misinterpreted. आपने इस सपने का बड़ा गलत मतलब निकाला है. It was a vision fair and fortune. ये nightmare नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा संकेत है. Your statue spouting blood in many pipes. अगर आपके statue से blood आ रहा है in which so many smiling Romans bathed, जिसमें मुस्कुराते हुए Romans हाथ धो रहे हैं, signifies. वो ये इंडिकेट करता है दैट फ्रॉम यू ग्रेट रोम शेल सक रिवाइविंग ब्लड कि आपके माध्यम से पूरा रोम जो है वो रिवाइव हो जाएगा, नया हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा. एंड दैट ग्रेट मेन शेल प्रेस फॉर टिंचर स्टेन्स रेलिक्स एंड कॉग्निजेंस और आपकी वजह से पूरे रोमन्स को बहुत लाभ मिलने वाला है. This by California's dream is signified. California के dream का ये मतलब है. Caesar तो बड़ा खुश होता है Decius Brutus के इस explanation को सुनकर, because he is also very much positive about it, and he doesn't want to be negative at all. तो वो कहता है, and this way you have well expounded it. Expounded it मतलब वो खुश होकर कहता है कि Decius Brutus तुमने इस सपने का बड़ा अच्छा explanation दिया. Decius Brutus उससे बोलता है आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से एंड नो इट नाउ द सेनेट हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीज़र. आज तो सेनेट में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो सब आपको आज क्राउन देने वाले हैं. दे आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट यू आर आर नेक्स्ट किंग. इफ़ यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम देयर माइंड्स मे चेंज. अगर आज आप ये मैसेज दिलवाते हैं कि आज आप नहीं आएंगे तो हो सकता है कल को उनका इरादा बदल जाए. सीज़र कहता है हाउ फुलिश डू योर फियर्स सीम नाउ कैलिफोर्निया. तुम्हारे ये डर कितने बेसलेस हैं. आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम और मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया था. गिव मी माई रॉब. रॉब हियर मीन्स कोट फॉर आई विल गो. सीज़र सेनेट जाने के लिए राज़ी हो जाता है. एंटर प्यूबिलस ब्रूटस लेगरस मेटलस कैस्का टर्बिनस एंड सेना. इतने सारे कॉन्स्पिरेटर्स वहाँ आते हैं और सीज़र उन सब से कहता है गुड फ्रेंड्स गो ऑन एंड टेस्ट सम वाइन विद मी एंड वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर. सीज़र उन सब से कहता है कि
बैठो, हमारे साथ वाइन लो और हम सब अभी साथ में दोस्त की तरह सब साथ में सेनेट चलेंगे। ब्रूटस असाइड, ब्रूटस थोड़ा साइड आकर के ये डायलॉग बोलता है, दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम ओ सीजर, द हार्ट ऑफ ब्रूटस यर्न्स टू थिंक अपॉन। ब्रूटस को ये बात बहुत बुरी लग जाती है कि सीजर उन्हें लाइक फ्रेंड्स कहता है, एंड ऑफकोर्स देर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड लाइक फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट एक्ट, एक्ट नेक्स्ट सीन बिगिंस। सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं सेनेट में। सीजर उनसे पूछता है, आर वी ऑल रेडी, वॉट इज नाउ अमिस, हम सब यहाँ आ गए हैं, नाउ वी आर वेटिंग फॉर वॉट। दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस। मेटेलस सिंबल नाम का एक कैरेक्टर है जिसके भाई को एक जुर्म में देश निकाला हो गया था। मेटेलस सिंबल जूलियस सीजर से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई को वापस उसके देश में बुला लिया जाए और उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। वो जूलियस सीजर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पैशनेट मेटेलस सिंबल थ्रोज बिफोर द सीट एंड हम्बल हार्ट, एंड हम्बल हार्ट का मतलब है आई रिक्वेस्ट बिफोर यू नीलिंग। वो अपने पैरों पर बैठ जाता है सीज़र के सामने। सीज़र को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो कहता है, आई मस्ट प्रिवेंट दी सिंबल, मीन्स डोंट डू इट बिफोर मी, दीज काउचिंग एंड दीज लोली कॉटियर्स माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, तुम्हारी इस तरह की हरकतें साधारण इंसान को हिला सकती हैं, एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री इन टू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, और जो लॉ पास किया गया है उन्हें तुरंत बदल कर उन्हें बच्चों के खेल की तरह बदल आ जा सकता है, ये सब किसी और पर असर कर सकता है। Thy brother by decree is banished, तुम्हारे भाई को कानून के तहत बैनिश किया गया है। If thou dost bend and pray and fawn for him, अगर तुम इस तरह से बैठ कर अपने भाई के लिए प्रे कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, I spurn, spurn का मतलब है किक, I spurn thee like a cur out of my way, cur here refers to dog. No, Caesar doth not wrong, nor without cause would he be satisfied. Caesar बिना वजह कोई काम नहीं करता, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इस तरह की बातों का सीजर पे कोई असर नहीं होगा। मेटेलस सिंबल कहता है, Is there no voice more worthy than my own to sound more sweetly in great Caesar's ear for the repining of my banished brother? क्या यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं है जो कुछ अच्छे शब्दों में सीज़र से रिक्वेस्ट करे, जो सीज़र को कन्विंस कर सके जो मेरे भाई को वापस बुला लिया जाए? इस तरह मेटेलस सिंबल और सारे कॉन्स्पिरेटर्स एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, दैट दे ऑल आर रिक्वेस्टिंग टू जूलियस सीज़र, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग प्लान्स टू मर्डर हिम। आई स्टॉप ओवर हियर and I'll continue my explanation in my next video. I just hope it is clear to everybody. Thank you.